झारखंड की राजधानी समेत पूरे राज्य में नए साल के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिया गया है कि वो अपने जिले के सभी पिकनिक स्पॉट के अलावा रेस्टोरेंट और होटलों में सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से अलर्ट रहे। इस आदेश के तहत मीडिया को जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि नए साल के मद्देनजर राज्य के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी पार्कों, डैम, पर्यटन स्थलों के इर्द गिर्द स्टैटिक फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। मजिस्ट्रेट भी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। प्रमुख जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके अलावा वाहनों की चेकिंग और ड्रंक एंड ड्राइव चलाकर जांच की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए शक्ति कमांडो भी सक्रिय रहेंगे। सभी पिकनिक स्पॉट पर पुलिस सहायता केंद्र भी खोले गए हैं। साथ ही अलग अलग रेस्टोरेंट, बियर बार और होटल के आसपास पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। आम लोगों से भी सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। क्रिसमस से अभी फेस्टिवल जस्ट हम लोगों का खत्म हुआ है और अभी भी कहीं ना कहीं है ही लोग, मूवमेंट शुरू हुआ है। ये नव वर्ष की पहले तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में ही हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग आने वाले हैं बाहर के, जो भी पर्यटन स्थल है उन सब जगहों पर हम लोगों ने फोर्स पहले से ही दे रखा है। जो भी लोकल थाना उसको हम लोगों ने अलर्ट करके रखा हुआ है। अलग से भी सीनियर एसपी साहब महोदय से बात हुई है, अलग से भी हम लोग सिविल में दस्ता उपलब्ध कराएंगे, लोग रहेंगे वहाँ, लेडीज एंड जेंट्स भी, ताकि वैसे मंचले लोगों पर, वैसे अपराधकर्मियों पर पैनी नज़र रखे जाए। जो पर्यटक जो आ रहे हैं या वहाँ अपने फैमिली परिवार के साथ हैं, जो व्यवधान पैदा कर रहे हैं उन पर अलग सख्त कार्रवाई होनी है, सख्त नज़र हम लोग की रखी हुई है। विशेष रूप से अनुरोध भी हम आप लोगों से करेंगे कि माध्यम से कि बाइकर्स जो है, लोग लड़के जो है सो ड्रिंक कर लेते हैं या फिर काफ़ी तेज़ी रफ्तार में बिना हेलमेट की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं या जाते हैं तेज़ रफ्तार में, उन लोगों पर थोड़ा सा हम लोगों को कंट्रोल करना है। जगह जगह चेकिंग हम रखेंगे, उनको समझाएंगे भी और कार्रवाई भी, जहाँ जरूरत है वहाँ कार्रवाई भी होगी। सिविल में महिला पुलिसकर्मी भी रहेंगे? देंगे, पक्का देंगे। वैसी जगह पर जहाँ महिलाओं का जहाँ मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, फैमिली परिवार के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ महिला कॉन्स्टेबल में हम लोग महिला अफसर प्लस पुलिस के लोग देंगे।